हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का ग्लोबल होम वेंडर्स के एक आलीशान 2BHK में। सो जब मैं बात करता हूँ आलीशान 2BHK की, जिसका मतलब भी होता है कि स्पेस काफ़ी ज़्यादा है इसके अंदर और स्पेस की कहीं कोई कमी नहीं है। और सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर ब्रांडेड फिटिंग्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, चाहे वो डोर लॉक से लेकर हो, चाहे वो आपके फ़ैन हो, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स हो, कुछ भी हो। तो ये डोर अगर मैं क्लोज़ करता हूँ, देखिए कितना स्मूथ फिनिश है आपके डोर का एंड एकदम बहुत ही स्पेशियस आपका हॉल एरिया आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जहाँ पर आपका आराम से एक एल टाइप सोफ़ा, एक सेंटर टेबल और दो बफ बहुत ही इजीली लग सकते हैं। प्लस इसके अंदर जहाँ मैं स्पेस की बात कर रहा हूँ ना, तो मैंने सबसे पहली चीज़ जो ध्यान में रखी है वो है वेंटिलेशन के लिए एक विंडो। इस विंडो में आप अपना छोटा सा एक विंडो एसी फिट करवा सकते हैं, या फिर इस जाल को निकलवा के यहाँ पर आप अपना रूम कूलर या डेजर्ट कूलर आप यहाँ पर इंसर्ट करा सकते हैं, क्योंकि ये जो विंडो है ये खुलती है शाफ्ट में। नाउ अब मैं अगर बात करता हूँ आप लोगों से, तो यहाँ पर आपका LED TV पैनल है, सामने की वॉल मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दी है। LED TV पैनल के ठीक ऊपर आप अपना स्प्लिट AC यहाँ पर फिट करवा सकते हैं। नाउ नेक्स्ट मूव ऑन करते हुए मैं आ जाता हूँ किचन के अंदर। तो किचन एरिया में अगेन आप देखेंगे कि हमने यहाँ पर आपको एक सिंगल पार्टीशन दिया हुआ है, वुडन पार्टीशन विद स्मॉल LED लाइट्स हमने इसके अंदर फिटिंग की हुई है। यहाँ पर अगेन MDF बोर्ड की कटिंग मैंने यहाँ पर प्रोवाइड की आपको, विच गिव्स यू एन अमेजिंग पार्टीशन ऑफ योर किचन। अगेन यहाँ पर कुलीना की जो चिमनी है, ऑटो क्लीन चिमनी आपकी यहाँ पर ऑलरेडी फिटेड है, आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक स्लैब मिल जाता है विद प्रॉपर शेल्विंग यूनिट्स, यहाँ पर आपको एक स्लैब मिल जाता है। इस बार यहाँ पर कोई अलग से मैंने कैबिनेट नहीं बनाया है, आप अपना RO एंड गीजर इस वाली वॉल पर फिट करवा सकते हैं बहुत ही आराम से। प्लस इसी वाली वॉल पर आप चाहें तो इस जगह पर, या फिर अपने LED TV पैनल के बिल्कुल साइड में यहाँ पर, दोनों एरियाज आपको मिल जाते हैं आपके फ्रिज के सेक्शन के लिए, आप अपना फ्रिज बहुत ईजिली प्लेस करवा सकते हैं। चिमनी का पाइप आप देख रहे हैं बिल्कुल बाहर, यहाँ पर जाके शाफ्ट में ओपन होता है, यहाँ पर भी शाफ्ट एरिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है वेंटिलेशन का। मूव ऑन करते हुए यहाँ से आप देखिए वेरी लॉन्ग खूबसूरत सी एक लॉबी है, आपको एक लॉबी एरिया मिल जाता है जो आपके हॉल से आपके बाकी के रूम्स एंड वॉशरूम्स को कनेक्ट करता है। लॉबी में सबसे अट्रैक्टिव पार्ट है ये शैंडलियर लाइट्स, फॉल सीलिंग जो मैं लॉबी के अंदर भी आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। नाउ लुक एट द फॉल, लुक एट दिस वॉशरूम एरिया, ये आपका टॉयलेट कम बाथ एरिया है जो कि कॉमन वॉशरूम कह सकते हैं, स्पेस में कहीं कमी नहीं है। प्लस यहाँ पर हम आपको एक वॉश बेसिन भी प्रोवाइड कर देते हैं। नाउ फर्स्ट रूम में जब मैं मूव ऑन करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फैंस ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं एंड दीज ऑल आर ब्रांडेड फैंस, उषा के फैंस हैं ये सारे। इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स हमने जहाँ तक कोशिश करी है, कोना की इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स हमने आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए हैं। स्लाइडिंग चैनल वाली आपको यहाँ पर अलमीरा मिल जा, आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत अलमीरा है यहाँ पर विथ स्लाइडिंग डोर्स। अगेन फॉल सीलिंग का एक बहुत ही अमेजिंग डिज़ाइन जो हम फॉलो कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज क्योंकि जो अभी तक हमारे क्लाइंट्स हैं उन लोगों को इस तरह का फॉल सीलिंग का जो डिज़ाइन है वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है। सो ज़्यादातर क्लाइंट्स के हमारे रिक्वायरमेंट यही है कि हमको यही वाले फॉल सीलिंग का डिज़ाइन जो है वो पसंद आया है। सो दोस्तों अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि ये जो फॉल सीलिंग के डिज़ाइंस हैं या जो भी ये इनोवेशंस है, ये कैसे होती हैं, ये होती हैं जो आप हमारी अंडर कंस्ट्रक्शन साइट्स में इन्वेस्ट करते हैं, जिसमें आप अपने अकॉर्डिंगली अपने घर को अपने हिसाब से सजा सकते हैं, कौन सी चीज़ कहाँ लगनी है या कहाँ नहीं लगनी है। लुक एट द वॉलपेपर, ये 3D वॉलपेपर हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें भी कस्टमाइजेशन अवेलेबल हैं। ऊपर फॉल सीलिंग आप देख सकते हैं, बहुत ही अमेजिंग फॉल सीलिंग हमने कराई है विद स्ट्रिप लाइट्स, LED लाइट्स, स्कॉब लाइट्स, हर तरह की लाइटिंग से हमने इसको भरा हुआ है। सो आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, दीज ऑल आर ब्रांडेड इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स जिसमें हमारी ब्रांड वारंटी भी रहती है, प्लस हमारी तरफ से भी कुछ वारंटीज हम प्रोवाइड करते हैं। अगेन अ कॉमन अटैच टॉयलेट कम बाथ एरिया आप कह सकते हैं इसको। सो ये आपके मास्टर बेडरूम के साथ अटैच्ड है। प्लस यहाँ पर आपको मिल जाती है एक बहुत ही खूबसूरत सी बालकनी, आप देख सकते हैं इस बालकनी की हाइट आप देख सकते हैं यहाँ तक, यहाँ पे बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दिस इज़ फॉर द सेफ्टी पर्पस, हमने कोई काफ़ी हाइट पर इसको दिया है ताकि बच्चे जो रहे उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, कुछ झांकने वगैरह में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, सामने गली है, ये गली बंद गली है, देर वुड बी नो ट्रैफिक कंजम्पशंस। वॉल टू वॉल मैंने यहाँ पर आपको टाइलिंग प्रोवाइड कर दी है ऑलरेडी, आप देख सकते हैं। आउटडोर यूनिट लगाने के लिए मैंने आपको अलग से स्पेस प्रोवाइड किया है, जहाँ पर ये वायर आके ख़त्म हुई है यहाँ आपका आउटडोर यूनिट लगता है। सो दोस्तों ज़्यादा इस फ्लैट के बारे में अब मैं आपको क्या ही बताऊं, क्योंकि आप देख सकते हैं इसकी खूबसूरती आपके देखने से ही बनती है। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस फ्लैट इज़ कि यहाँ पर ये सैम्पल ऑलरेडी रेडी है, एक फ्लोर पर दो यूनिट है, विच मीन्स कि आपको किसी भी अच्छे बैंक से लोन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पर अच्छे से अच्छा लोन मिल सकता है। क्यों लोन की बात करूं, क्योंकि 80-90% का लोन ग्लोबल होम वेंडर्स आपके लिए करवा के देता है। दिस इज़ अ फ्री होल्ड प्रॉपर्टी जिस पर आप रजिस्ट्री करवा सकते हैं,
100% रजिस्ट्री होगी आपकी SDM कोर्ट से। तीसरी चीज़ जो इसमें आती है वो है यहाँ पर लिफ्ट प्लस पार्किंग की फैसिलिटी अवेलेबल है। आपको कहीं पे भी अपनी कार या बाइक जो भी आपके पास है उसको कहीं बाहर पार्क नहीं करना है। बिल्डिंग की बहुत अच्छी कार पार्किंग फैसिलिटी है, प्लस बिल्डिंग टू साइड ओपन बिल्डिंग है। सो आप अपना टू व्हीलर एक गेट से एंटर करते हैं, दूसरे वाले गेट से आप बाहर निकाल सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग टू साइड ओपन वेंटिलेटेड बिल्डिंग है ये, एंड मैं तो कहता हूँ यही आपके सपनों का घर हो सकता है। तो फटाफट से फ़ोन उठाइए, नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल कीजिए, या फिर नीचे मैंने गूगल फॉर्म का लिंक प्रोवाइड किया है, उस लिंक पे क्लिक कीजिए और अपनी रिक्वायरमेंट्स भेजिए ग्लोबल होम वेंडर्स को। क्योंकि जैसा मैं हमेशा कहता हूँ दोस्तों, ग्लोबल होम वेंडर्स ही है आपके सपनों के घर का वन स्टॉप सोल्यूशन।